हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन द फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फार्माकोविजिलेंस जॉब इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगर आप एक फ्रेशर है और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली फार्माकोविजिलेंस इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टॉप 10 इंपॉर्टेंट फार्माकोविजिलेंस क्वेश्चन, आपको उसको कैसे हैंडल करना है प्लस आंसर्स कैसे देने हैं उस क्वेश्चन के, सभी चीजों के बारे में। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एक फ्रेशर को फार्माकोविजिलेंस जॉब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आप सभी को ये क्वेश्चन पता है। सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। तो इंटरव्यूअर जब आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं यानी व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको एक बुकिश डेफिनेशन की बजाय एक ऐसी डेफिनेशन दोगे जिसमें उन्हें ये समझ आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है फार्माकोविजिलेंस के बारे में। इसीलिए आप हमेशा ट्राई करना कि एज अ फ्रेशर आप मोस्टली बुकिश डेफिनेशन ना दो, बल्कि आप ये बताने का ट्राई करो कि आपको कितना समझा है फार्माकोविजिलेंस के बारे में। इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसे ऐसे हैंडल कर सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि फार्माकोविजिलेंस द साइंस एंड एक्टिविटी ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड टेकिंग एक्शंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इवेंट्स। तो इस तरह से आप ये बता रहे हो कि आपको शॉर्ट में पता है फार्माकोविजिलेंस क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे इंटरव्यूअर का यही एम होता है कि वो जानना चाहते हैं कि आपको इस जॉब रोल के बारे में पता है या नहीं, आपको फार्माकोविजिलेंस के बारे में पता है या नहीं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैक्टफुली हैंडल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि फार्माकोविजिलेंस इज अबाउट टेकिंग एक्शंस टू प्रिवेंट एडवर्स इवेंट्स, तो उस एडवर्स इवेंट्स के ऊपर से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय द इंटरव्यूअर कि व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ये ऐसा होता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो डोज को, ड्रग को या मेडिसिन को सही डोज में लेने के बाद भी होता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के वे में बताना चाहें तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी एलर्जी होती है या इचिंग होती है स्किन के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एंटीबायोटिक गलत डोज में ली है, उन्होंने सही डोज में लेने के बाद भी ये रिएक्शन हुआ, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो अगर आपको इसी आंसर को यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के आंसर को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो तो आप बोलोगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच इज अनइंटेंडेड एंड हार्मफुल रिएक्शन दैट ऑकर एट नॉर्मल ड्रग डोसेज एंड नॉर्मल यूज। तो ये थी इंग्लिश में डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जब आप ये एक्सप्लेन करते हो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्राई करना कि आप ऐसे एक्सप्लेन करो कि आपको पता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, ताकि इंटरव्यूअर को ये क्लियरिटी मिले कि यू हैव एन आइडिया अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शन और इससे रिलेटेड चीज़ें जब आपके सामने प्रेजेंट की जाए तब आप इससे टैकल कर सकते हो और क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वॉट इज एडवर्स इवेंट। तो इंटरव्यूअर आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बाद ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि एडवर्स इवेंट के बारे में आपको क्या पता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि एडवर्स इवेंट होते क्या है। तो एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं ये जब कोई भी पेशेंट एक ड्रग लेता है तब अगर उसे हेडेक या फिर फीवर या फिर कोई भी ऐसा रिएक्शन साइड इफेक्ट होता है तब उस इवेंट को हम एडवर्स इवेंट कहते हैं। अब ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एडवर्स इवेंट उस मेडिकेशन की वजह से हुआ है, बट ये एडवर्स इवेंट हुआ है उस मेडिकेशन को लेने के दौरान, इसीलिए उसे एडवर्स इवेंट कहा गया है। तो अगर मैं इस एक डेफिनेशन के वे में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँ, एडवर्स इवेंट कैन बी अ अनडिजायरेबल एक्सपीरियंस दैट अ पेशेंट मे एनकाउंटर वाइल टेकिंग अ ड्रग, बट इट इज नॉट नेसेसरीली कॉज्ड बाय द ड्रग। तो इस तरह से ये थी सिंपल डेफिनेशन अबाउट एडवर्स इवेंट।
तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यूअर को कि आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है रिगार्डिंग द एडवर्स इवेंट। तो इस तरह से यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और तीसरा क्वेश्चन था व्हाट आर एडवर्स इवेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हमने 2 चीज़ों के बारे में देखा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एडवर्स इवेंट्स। तो इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज एक क्लिनिकल ट्रायल हो रही है और एक पेशेंट है जो हार्ट मेडिकेशन ले रहा है इन दैट क्लिनिकल ट्रायल, और वो सडनली फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो आप उस बेहोशी को एडवर्स ड्रग इवेंट कहोगे या एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहोगे? इसके बाद पता चलता है कि क्लिनिकल ट्रायल में ही कि ये जो बेहोशी हुई थी यानी जो पेशेंट फेंट हुआ था वो डायरेक्टली रिलेटेड था मेडिकेशन से। तो अब आप इस चीज़ को यानी ये जो सिचुएशन हुई है उसे एडवर्स ड्रग इवेंट कहोगे या एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहोगे? इंटरेस्टिंग है ना? तो प्लीज़ आप जिन भी लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखा है वो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना और बताना कि ये जो सिचुएशन है इसे आप किसके अंडर कंसिडर करोगे, एडवर्स ड्रग इवेंट के अंदर या एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर। और जिन भी सब्सक्राइबर ने करेक्ट आंसर दिए हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको फार्माकोविजिलेंस जॉब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ मेड्रा क्लासिफिकेशन। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेड्रा होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि मेड्रा क्या है। तो मेड्रा इज़ अ मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़। ये एक स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड बनाया गया है। यानी सपोज ग्लोबली कोई डोसेज फॉर्म या ड्रग से रिलेटेड एक एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हुआ, उस एडवर्स इवेंट को ग्लोबली सेम टर्मिनोलॉजी से यूज़ किया जा सके ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन में ईजी हो, इसीलिए यहाँ पर एक मेड्रा क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रायोरिटाइज मल्टीपल एडवर्स इवेंट। तो आपको अब ये तो पता है कि एडवर्स इवेंट होते क्या है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू ने पूछ लिया कि हाउ डू यू प्रायोरिटाइज मल्टीपल एडवर्स इवेंट, तो इसका आंसर देते वक्त आपको याद रखना है कि प्रायोरिटाइज जब करते हैं हम एडवर्स इवेंट तो वो 3 मेन क्राइटेरियाज पे होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है सीरियसनेस, ये जो एडवर्स इवेंट है वो कितना सीरियस है। दूसरा क्राइटेरिया है कैजुअलिटी, एंड तीसरा क्राइटेरिया है रेगुलेटरी टाइमलाइन। तो इन तीनों के बेसिस पे हम एडवर्स इवेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए 2 पेशेंट है, उन दोनों ने सेम मेडिसिन कंज्यूम की है और एक को एडवर्स इवेंट हुआ है जो कि है लीवर डैमेज का, और दूसरे को एडवर्स इवेंट हुआ है जो कि है हेडेक का। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लीवर डैमेज का एडवर्स इवेंट है वो ज़्यादा सीरियस है एंड उसे प्रायोरिटी पे ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से सीरियसनेस के बेसिस पे हम एडवर्स इवेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं और नेसेसरी एक्शन लेते हैं टू टैकल दैट एडवर्स इवेंट। तो इस तरह से आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप एक एडवर्स इवेंट को कैसे टैकल करोगे। तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन जो इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। अब यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर हो, फार्माकोविजिलेंस के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। इनके अलावा भी मेरे पास और 5 क्वेश्चंस अवेलेबल है, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, बट इस वीडियो का मैं सेकेंड पार्ट जल्दी रिलीज कर दूंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो के लिए भी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं वो वीडियो जल्दी रिलीज कर सकूँ। इसके बाद आप इस वीडियो को प्लीज़ डिटेल में देखना, और इस वीडियो में मैंने मेरी तरफ से भी आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन को भी आंसर करने का ट्राई करना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।